Let's learn and earn from your home. Learning with earning. कंटेंट ऑफ कोर्स ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और मतलब अपने रीडर पे वो इफेक्ट जो आप डालना चाहते हो वो पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आपको इस चीज को देखना है, इस चीज को माइंड में रखना है इस स्टेज पे आके जब आपने लिख लिया है। हर राइटिंग की एक ऑडियंस होती है, बिल्कुल होती है। आप जैसे मैंने आपको बताया, अब आप समझे कि आप पर्सनल हाइजीन का टॉपिक लिख रहे हैं, किसी के लिए लिख रहे हैं, और या आप समझ लें आप किसी डॉक्टर के लिए लिख रहे हैं जो किसी भी मतलब पेशेंट को बता रहा है कि भाई पर्सनल हाइजीन आप हमारे से आके टिप्स ले सकते हैं, फर्ज कर लें, ठीक है। या आपने आपको किसी डॉक्टर ने कहा कि भाई मुझे लिख के दो ताकि जो मेरे पेशेंट्स हैं या जो लोग हैं अगर उनको पर्सनल हाइजीन का कोई इशू होता है तो वो मेरे पास आए, तो हमने उस डॉक्टर की तरफ से लिखना है कि भाई इस तरह से करेंगे, इस तरह से करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए, अगर आपको और टिप्स चाहिए तो आप फलाने डॉक्टर के पास जा सकते हैं, हम उसका रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने इस तरह से लिखना है कि वो पढ़ें और कहें कि बस हमें इस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आप समझे कि आप किसी और के लिए लिख रहे हैं, लाइक किसी भी कंपनी के लिए लिख रहे हैं जिनकी पर्सनल हाइजीन के हवाले से कोई एक प्रोडक्ट है जो आपको किसी भी तरह की लाइक पर्सनल हाइजीन में हेल्प कर सकती है, ठीक है, तो आप उस तरह का अगर लिख रहे हैं तो आपको इस तरह का लिखना है कि वो चीज जो भी आपने जैसा भी लिखा है कि पहले उनको बताना कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसके बगैर रह ही नहीं सकते, उनको इस तरह का इफेक्ट देना है, एंड देन उसके बाद उनको इस तरह का इफेक्ट देना है कि वो फौरन से उस चीज को जो भी प्रोडक्ट है उसको खरीद लें या सोचें उसको कि अब हमें खरीदनी चाहिए, किसी भी स्टेज पे हमें इस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। ये अब हमारी ऑडियंस हो गई है दोनों तरह से, अगर आप सोचें तो फिर आपने रीडर बन के सोचना है, देन अगर आप रीडर बन के सोचते हो तो फिर आपको समझ आ जाएगी भाई इस तरह से है सीन। अच्छा, अब आपको ये देखना है कि आपका जो भी पर्पज है, लाइक अगर आपका वो डॉक्टर के पास भिजवाने वाला है या आपको वो प्रोडक्ट सेल करने वाला है, तो ये सारी चीजें आपका मतलब आपका ये पर्पज है कि लोगों पे ये इंप्रेशन पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा आपकी, आपने जो भी लिखा है, ठीक है, और आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी है वो आपने सारे यूज कर लिए, वहाँ पे आपके सारे पॉइंट क्लियर है। देन जो मतलब एक होता है ना कि एक 15 सेकेंड होते हैं बंदे के पास कि वो आपका आर्टिकल आगे पढ़े कि ना पढ़े, लेकिन आपने शुरू में तो बहुत अच्छा लिखा लेकिन एंड तक आते आते अगर फर्ज करेंगे तो 500 वर्ड्स का छोटा सा आर्टिकल था, अगर आपको 2500 वर्ड्स का लिखना पड़े तो आप ऐसा कैसे लिखें, कैसे उसको एंगेज रखें रीडर को कि वो एंड तक पढ़े उसे। तो ये तो नहीं है कि बीच में आके आपने कुछ ऐसा लिख दिया है जो रीडर को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है कि भाई आपने अब आगे बस वो कहे बोर हो गया हूं, अब और नहीं पढ़ सकता मैं, तो वो छोड़ दे बीच में, तो आपका जो मकसद है वो बीच में रह जाएगा, ठीक है। तो आपके जो भी अपने आइडिया सोचे हुए हैं वो एक्सप्लेन है, ये सारी चीजें आपने इवेल्युएशन की स्टेज पे आकर सोचनी है, ठीक है। देन आपने जो भी डेटा डाला है उसके अंदर, ठीक है, और एग्जाम्पल्स या कोर्स ये सारी चीजें आपने जो भी डाली है ये एक्यूरेट है, लाइक आपको खुद कंफ्यूजन है जिस बात में वो आपने इसमें नहीं डालनी, लाइक आपको कंफ्यूजन है कि भाई ये चीज ठीक होती है या नहीं होती, तो फिर आपको नहीं यार ठीक है मैं डाल देता हूँ, ये चीज नहीं करनी, क्योंकि आपको खुद एक चीज क्लियर नहीं है तो आप किसी और को, क्योंकि आपकी एक चीज जो है वो बहुत ढेर सारे लोग पढ़ेंगे तो उनमें से एक किसी को तो पता होगा ना ये चीज ठीक है या नहीं ठीक है, आपको नहीं पता। और दूसरी बात ये कि आपकी जो भी ऑडियंस होती है या जो भी जिसके लिए भी आप काम कर रहे हो उसको नहीं पता होगा कि भाई आप लाइक इंटरमीडिएट हो या आप बहुत ही प्रो राइटर हो, वो कैसे पता चलेगा उसे, वो इस तरह नहीं कि आप उसको अपनी डिग्रीज दिखाओगे, वो इस तरह पता चलेगा कि आप लिखते कैसा हो। तो इसलिए आप लोगों ने लिखना ऐसा है कि उसको लगे कि भाई बंदा बहुत कमाल का, बहुत अच्छा लिख लेता है, ठीक है। और आपकी टोन मैटर करती है कि आप किस टोन में लिख रहे हो, वही बात है कि ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए कुछ भी, आपने ऐसी बात नहीं लिखनी जो किसी के लिए भी ऑफेंसिव, और कोई भी चीज आप जिसके बारे में श्योर नहीं हो वो आपने यूज नहीं करनी। और लेंथ वगैरह तो खैर हमें जिसने भी लिखवाना होता है वो बताते हैं कि आप किस तरह का मतलब कितने वर्ड्स का आर्टिकल लिखो, है अच्छा। उसके बाद ये है कि खैर ये है कि आप बिल्कुल रिसर्च करके लिख सकते हैं, आप उस चीज़ को पढ़ के उससे आइडिया ले सकते हैं, लेकिन मतलब ये नहीं है कि आप बैठ जाएं अलग से और मतलब आप सोचने लग जाएं कि भाई मैं ये चीज़ कैसे आएगी। एक चीज़ है मतलब अभी अगर मैं हूँ तो मैं कहूँ मुझे एक किसी कार पे लिखने को मिल गया है,
कोई भी कार है, ठीक है, मुझे उस पर लिखने को मिल गया, तो मैं खुद बैठ के तो नहीं सोच सकती ना उस कार के फीचर्स क्या है, तो मुझे ऑफकोर्स उसकी सर्च करनी पड़ेगी कि भाई क्या उसके फीचर्स हैं, कैसे कैसे उसके लाइक जो भी उसके ओपोनेंट्स हैं उनके क्या फीचर्स हैं, इसमें क्या न्यू उन्होंने डाला हुआ, तो ये सारी चीजें मुझे सर्च करनी पड़ेंगी। तो यकीनन मुझे उसको सर्च करके उसके बारे में लिखना है, लेकिन जो मेन चीज आप अपने माइंड से सोचते हो वो ये कि जैसे मिशी ने, मैं मिशी का ही बता रही हूँ कि मिशी ने मुझे आउटलाइन दिया, तो इसलिए मिशी ने मिड में उसे लिखा है, उसके बाद उसके बारे में ये नहीं कि उन्होंने पूरा आर्टिकल वहां पे लिख दिया, उनके माइंड में ये आइडिया आया कि भाई पर्सनल हाइजीन है तो पर्सनल हाइजीन का क्या हो सकता है, एक उसके फायदे हो सकते हैं क्या हो सकते हैं, उसके उसको ना करने के नुकसान हो सकते हैं क्या हो सकते हैं, उसके फिर एंड पे उसकी कंक्लूजन भी उन्होंने दी हुई है। तो इस तरह 5-6 चीजें उन्होंने 20 में डाली हुई है, ठीक है। तो ये चीज आपको सोचनी है, आपको ये नहीं कि आप पूरा आर्टिकल बैठ के सोचने लग जाओ, आपको सिर्फ आउटलाइन उसकी सोचनी होती है एंड देन उसके बाद उसको रिसर्च करके लिखना होता है, ऑफ कोर्स, ठीक है। आई होप कि मेरा पॉइंट क्लियर हो गया आपको। अच्छा, लिंकिंग वर्ड्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि लिंकिंग वर्ड्स हम यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस को लिंक करने के लिए, कोई भी सेंटेंस हो हम उसको लिंक कर सकते हैं किसी दूसरे। मैं आपको आगे जाके इसकी एग्जाम्पल दूंगी कि कैसे आप एक सेंटेंस को चेंज कर सकते हो, लाइक एक सेंटेंस का अलग मतलब आ रहा है लेकिन आप उसको ये लिंकिंग वर्ड्स यूज करके उस सेंटेंस का अलग मीनिंग यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपने इस तरह से अपने आर्टिकल को अब इस स्टेज पे आके चेक करना है कि हाँ भाई लिंकिंग वर्ड्स आपने इनफ यूज कर लिए।